कि जिंदगी में किसी भी स्थिति में ना हारना क्या होता है और सब कुछ जीत कर भी चीजों को खोना क्या होता है और उसके बाद फिर से बाउंस बैक करके लाइफ में नए सिरे से शुरुआत करना क्या होता है। ऐसा जो है एक फौजी की कहानी होनी चाहिए, वो फौज में हो या फौज के हो, को ये पॉजिटिविटी मिलेगी कि जीत के भी लोग नहीं हारे हैं और लोग हार के भी जीते हैं। उनमें से श्रेयांश का एग्जाम्पल मैं जो है रखना चाहूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज की ये जो कहानी है, आज ये जो सफलता की एक नई सीख आपको मिलने वाली है और ये समझने का मौका मिलेगा कि जिंदगी में किसी भी स्थिति में ना हारना क्या होता है और सब कुछ जीत कर भी चीजों को खोना क्या होता है और उसके बाद फिर से बाउंस बैक करके लाइफ में नए सिरे से शुरुआत करना क्या होता है। आज शायद इस कहानी के माध्यम से आप सीख पाएंगे। आज हमारे सामने लाइव आपके सामने है श्रेयांश, जिनकी ऑल इंडिया सीरीज रैंक जो है वो 31 है। तो कांग्रेचुलेशन श्रेयांश फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सर। एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी लॉन्ग इंस्पिरेशन फॉर एवरी डिफेंस एस्पिरेंट, बिकॉज जो ट्रेजेडी रही है, जो कहानी रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज आप 31 रैंक ऑल इंडिया लेने के बाद भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। तो बिल्कुल इसका सस्पेंस खत्म कर देते हैं। टेम्प्रेरी नहीं, परमानेंट मेडिकल अनफिट जो है श्रेयांश का रहा। तो किस चीज़ में मेडिकल अनफिट आपका हुआ श्रेयांश? मेरी मेडिकल अनफिट अल्ट्रासाउंड टेस्ट में मुझे पता चली थी, आई डिडंट न्यू अबाउट इट अर्लियर। तो हाइपोप्लास्टिक किडनी की कंडीशन है, माय राइट किडनी इज 4 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेफ्ट वन। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो ये मेडिकल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आना, मैंने शुरू में ही थोड़े सस्पेंस को खोल दिया है, बट मुझे लगता है कि आपको इनकी जिंदगी से सीखना चाहिए। और एक बड़ी गर्व के साथ मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह की परिस्थितियां जो है क्रिएट हुई श्रेयांश के साथ, तो बिल्कुल बीइंग अ मेजर कल्सी परिवार हम सब ने जम के इनिशिएटिव लिया और श्रेयांश से बात की और उन्होंने कहा कि आपने जो अनुभव, जो एक्सपीरियंसेस अपने जिंदगी में लिए, अब समय आ चुका है श्रेयांश कि आप अपने जैसे हजारों लाखों एस्पिरेंट जो डिफेंस की तैयारी करने आ रहे हैं उनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनिए, उनको गाइड करिए, उनको इंस्पायर करिए, उनको बिल्कुल उस लेवल पे मोटिवेट एंड तैयार करिए कि वो सब अपना सपना पूरा कर पाए। और मुझे लगता है कि यही हर जो है एक फौजी की कहानी होनी चाहिए, वो फौज में हो या फौज के बाहर हो, हमारा काम है फौज के लिए लोगों को तैयार करना और फौज तक पहुंचाना। और ये कहानियां कमाल की हैं, ये कहानी आपके स्वरअक्षर से शुरू होती है, ये कहानी श्रेयांश पे शिफ्ट होती है और सबकी कहानी अलग अलग रही है कि आखिर कौन किस वजह से जो है फौज का हिस्सा नहीं बना, बट उसके बावजूद हम सब एमकेसी का हिस्सा बनते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज मैं हर उस प्रोस्पेक्ट की बात करूंगा कि श्रेयांश की ओवरऑल जर्नी क्या रही है एकेडमिक्स को लेकर के, कैसे पढ़ाई की इन्होंने, SSB में कैसे अच्छा किया, रिटर्न में कैसे अच्छा, बिकॉज UPSC एंड CDS एग्जामिनेशन आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट एग्जामिनेशन इन आर कंट्री। अगर हम IAS सिविल सर्विसेज के बाद किसी एग्जाम स्टैंडर्ड के इस देश में बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट द UPSC CDS एग्जामिनेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली उनके रिटर्न प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रही, SSB में कैसे उन्होंने सफलता पाई, एक पूरा लाइफ का जर्नी और एक्सपीरियंस आपको जानने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि लाखों जो हमारे ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, उनमें एक अजीब सा नेगेटिव एंड डीमोटिवेशन हमेशा रहता है, आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि श्रेयांश उन सबके लिए एक प्रेरणा है। और जितने भी हमारे ग्रेजुएट एंट्री के बच्चे हैं, चाहे वो CDS का हिस्सा बनने जा रहे हैं, चाहे वो FCAT के थ्रू फौज में जा रहे हैं, वो INET के थ्रू जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं TA के थ्रू जा रहे हैं, या मान लीजिए अन्य एंट्रीज जो हमारे यहाँ बनाई गई हैं उनके थ्रू वो जा रहे हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे, तो मुझे लगता है कि अपने आप एक प्रेरणा और गाइडेंस का ये कारण बनेगा कि आखिर आपको किस तरह खुद से तैयार करना है और आपको परफेक्ट हो जाना है। तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेजर कल्सी परिवार में श्रेयांश, और ऑब्वियसली वेलकम आज मैं कर रहा हूँ। आप एसोसिएट पहले से हो चुके हैं और ऑब्वियसली आपने योगदान देना भी स्टार्ट कर दिया है, एंड कैसा महसूस कर रहे हैं पहले आप ये बताएं। सर, बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेडिकल आउट होने के बाद दिमाग में ये था कि आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। सो अगर आप पूरी लाइफ डिफेंस के लिए प्रिपरेशन करो एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चले कि डिफेंस फोर्सेज आपके लिए अब नहीं रह गई है, सो थोड़ा टाइम लगता है उसको शिफ्ट करने में। बट हाँ, कुछ हफ्तों के टाइम के बाद, दोस्तों से मिलने के बाद एंड फैमिली सपोर्ट के बाद, मैंने UPSC का तो एम करना शुरू किया। देन गौरव सर ने मुझे अप्रोच किया, देन वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी लगी कि अब डिफेंस का जर्नी मेरा जैसा भी रहा, बट वहाँ पे एक्सपीरियंसेस जो मुझे मिले हैं वो अगर मैं खुद तक रखूंगा तो वो थोड़ा सेल्फिश नेचर हो जाएगा, सेल्फिश नेचर होगा। तो वो बेस्ट वही होगा कि मैं एक्सपीरियंस जितने लोगों को बांट सकूं बांटूं, वो जो भी इससे सीख ले पा रहा है, वो अगर उससे सीख लेने में किसी की सक्सेस में मेरा थोड़ा सा भी सपोर्ट रहता है, सो मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस अगर AI में तक भी पहुंच जाए तो वो भी काफ़ी ये बहुत बड़ी चीज है श्रेयांश। और मुझे लगता है कि आपकी पॉजिटिविटी और स्माइल देख के मुझे लगता है कि लाखों को ये पॉजिटिविटी मिलेगी कि जीत के भी लोग नहीं हारे हैं और लोग हार के भी जीते हैं। उनमें से श्रेयांश का एग्जांपल मैं जो है रखना चाहूँगा। तो चलिए, थोड़ी सी जर्नी हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात कि 10+2 तक की स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? सर, 10+2 के मेरे स्कूलिंग बेतनी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, नैनी में स्थित है वो, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जी।
तो 10 प्लस 2 तक वहीं पढ़ा। 10 प्लस 2 क्या परसेंटेज रहा आपका 10 प्लस 2 में? सर मेरा 10th में तो 8.8 CGPA आया था, देन 12th में 11th और 12th में मेरा स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट हो गया, सो मेरा परसेंटेज ड्रॉप आउट होके 77.2 हो गया था। 77.2 इतना भी निराशाजनक नहीं है, वैसे भी कोई भी फौजी जो बना है उसके लिए परसेंटेज मैटर नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड व्हाट यू कैरी। तो स्पोर्ट्स में किस तरह का रुझान आया 11th 12th में? सर स्पोर्ट्स में मैंने 11th 12th में अपने स्पोर्ट्स टीम को वॉलीबॉल टीम को लीड किया था, कैप्टन वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड बाकी जो स्पोर्ट्स फेस्ट होते थे उसमें 100 मीटर 200 मीटर में गोल्ड मेडल वगैरह लाना। सो 10th तक आई वाज अ स्टूडियस काइंड ऑफ चाइल्ड, बट उसके बाद से थोड़ा एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स से अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसका फायदा आपको इन इंट्रीज में मिला होगा। यस अच्छा, तो 10 प्लस 2 के दौरान भी क्या आप कभी फौज की इंट्रीज जितनी है, जैसे एनडीए की हुई, एयरफोर्स की हुई, नेवी की हुई, कोस्ट गार्ड, क्या इन एंट्रीज में भी आपने इंटरेस्ट दिखाया 10 प्लस 2 लेवल पे? सर 10 प्लस 2 लेवल पे बहुत ज्यादा आर्मी के लिए ऐसा फोकस नहीं था, क्योंकि बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, बट हाँ एक एनडीए का जो क्रेज उस टाइम पे था वो अलग ही हाईलाइटेड होता है हर 12th के लिए। सो जेईई मेंस के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन भी कर रहा था, सो आई क्वालिफाइड एनडीए जस्ट आफ्टर आई पास आउट माई 12th। सो एनडीए में मैंने एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई किया था, मेरी पहली एसएसबी वहीं से थी, एयरफोर्स वाराणसी के लिए गई थी कैंप में, आई वाज कॉन्फिडेंस आउट देयर, फिर उसके बाद से मैंने बीएससी स्टार्ट कर दिया। तो था आपने 10 प्लस 2 में ही आपने 10 प्लस 2 के जस्ट बाद एनडीए एग्जाम में आप बैठे अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए और आपने उसको क्वालीफाई भी किया, एसएसबी भी गए और फाइनली कॉन्फ्रेंस आउट। तो कुछ झटका टाइप का लगा कि बस ऐसे मस्त टाइम चल रहा था, उसमें पता नहीं था कि ठीक है ये चिल है यार कोई नहीं? सर रिटन एग्जाम देते टाइम तो चिल वाला ही फील था, बट वंस रिटन एग्जाम का जब रिपोर्ट आया देन डेडिकेशन अंदर से आया था कि हाँ, फिर एनडीए के बारे में और जानना शुरू किया रिटन एग्जाम क्वालीफाई होने के बाद, फिर जब एनडीए के बारे में जाना, उसके बाद मेजर गर्ल्सी के बारे में जाना, फिर उसके बाद एसएसबी प्रिपरेशन के लिए मैं यहीं पे आया था, फिर उसके बाद प्रिपरेशन के बाद जब वहाँ पे गया तो हाँ थोड़ा बुरा लगा था, बट स्टिल वही था कि अभी तो स्टार्ट ही है लाइफ, स्टार्ट है, स्टार्ट ही कैन डू इट। तो ये हारना भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं हमारे 10 प्लस 2 लेवल पे निराश हो जाते हैं, मुझे लगता है लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है। मैं 10 प्लस 2 श्रेयांश को इसलिए आपके सामने लाइफ इनकी कनेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज आप भी कनेक्ट कर सको खुद को, आप अगले स्टेप पे आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फाइनली फिर आपने ग्रेजुएशन करने का निर्णय लिया, ग्रेजुएशन करने का। तो ग्रेजुएशन में आपने क्या चुना? ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी चुना, क्योंकि मेरा 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो मैंने उसी को लेकर आगे परस्यू किया। तो एक भी साल आपने नुकसान नहीं किया? एक भी साल नुकसान नहीं, आपने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जितने भी हमारे कमीशन कैटेगरी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, आपको ग्रेजुएशन जारी रखना बच्चा, ये मैंडेटरी है। कल को आप इंटरव्यू में ये थोड़ी ना जवाब देंगे कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, नॉट लाइक दैट। आपको अपनी एकेडमिक्स को हमेशा जारी रखना है और ये मैंडेटरी है, एंड विदाउट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी जिंदगी अधूरी है, अधूरी है सर, आप इनकम्प्लीट माने जाते हैं हमारे समाज के अंदर, तो ग्रेजुएशन करना आपका कंपलसरी है। तो बीएससी आपने चुना, बीएससी, तो एनडीए के चांस उसके बाद बचते थे या एनडीए के चांस खत्म हो गए थे? एनडीए के चांस मेरे लगभग सारे ही बचे हुए थे, बट बीएससी एक बार आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब शुरू कर दो, देन वो भी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, ऐसा कॉलेज था जहां बहुत फोकस, जहां अटेंडेंस को भी मेंटेन करना है, आपको 70% के ऊपर रखना है, प्रैक्टिकल्स लेने, प्लस मैंने एनसीसी भी ज्वाइन कर ली थी, और फिर एनसीसी से ही मेरा मेन फोकस फिर डिफेंस के साइड शिफ्ट होना शुरू हो गया था। सो मैं मेरा मैक्सिमम टाइम भी वहां पे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ही जा रहा था, एनसीसी नेशनल कैंप एंड ऑल, तो फिर वहां 3 साल मेरे ऐसे में कटे, तो उसकी वजह से एनडीए की तरफ थोड़ा फोकस फोकस कम हो गया वो जो स्पेसिफिक पढ़ा। बट ये क्या दिमाग में था कि मुझे ग्रेजुएशन एंट्री से एंट्री करना है पुनः फौज के लिए? सर हाँ, फर्स्ट ईयर में जब मैंने एनडीए क्वालिफाई किया कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उसके बाद जब वापस आया तो फिर था कि मेरे पास और ऑप्शंस क्या है, अगर ये नहीं हो पा रहा है देन व्हाट नेक्स्ट, फिर तब डिफेंस के बारे में और जाना, तो फिर सीडीएस एंट्री के बारे में पता चला, एफकैट के बारे में पता चला, एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में पता चला, सो इन सब चीजों पे वापस से सोचने के बाद ये डिसीजन था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, साथ में साइड एनसीसी करते रहते हैं, सो एक एक्सपोजर मिलता रहेगा, प्लस एक एंट्री मेरे हाथ में एक्स्ट्रा रहेगी कि आप आराम से आगे एसएसबी देते सकते हो, और एक बहुत बड़ा बैकअप हो जाता है एनसीसी। और कमाल की बात यह है कि आपने 9th 10th में एनसीसी नहीं ज्वाइन किया, नो इशू, नो इशू, आपने 11th 12th में नहीं किया, नो इशू, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से भी अगर अटैच हो रहे हैं तो फाइनल ईयर होने तक आप सी सर्टिफिकेट में ए या बी ग्रेड के चांसेस आपके बन जाते हैं, जो वाकई में एक एनसीसी स्पेशल एंट्री जो हमारी आती है उसका हिस्सा बनने के लिए आप कैपेबल हो जाते हैं, अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं तो। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सीडीएस, एफकैट, आईनेट या अन्य एग्जाम्स को जो है ना फेस करें जो ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो अब पॉइंट यहाँ ये बनता है कि इस दौरान फिर बीएससी पे पूरा फोकस रहा, एनसीसी चलता रहा, फाइनली एग्जाम आपने सीडीएस का कब अपीयर हुए? सीडीएस का एग्जाम वही जब हम बीएससी फाइनल ईयर में थे तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, मेरे पहले 2 अटेम्प्ट मैं नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द बैलेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसकी स्टडीज जो आपको प्रॉपरली अलग से ही करनी है, बीएससी इज अ डिफरेंट थिंग, और प्लस एनसीसी का आपका सी सर्टिफिकेट आ रहा था, आपको उसकी पढ़ाई भी सर्वे सब्जेक्ट ज्यादा करनी है, क्योंकि मेरा नेवल एनसीसी था, सो उसमें पढ़ाई का सब्जेक्ट भी ज्यादा रहता है अपार्ट फ्रॉम ड्रिल,
तो इन सब के बैलेंस के चक्कर में फाइनल ईयर के दो अटेम्प्ट मेरे नहीं हो पाए थे, बट उसके बाद से फिर बीएससी कंप्लीट हुआ, देन 2020 का लॉकडाउन आया एंड वो मौका मिला, मौका बहुत ज्यादा मिला पढ़ा फिर आपने, फिर तो 2020 मेरा पूरा जो साल गया है वो मेरे वर्कआउट में, खुद की डेवलपमेंट में, नॉवल सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ने में, प्लस कोर्स की पढ़ाइयां करने में मैक्सिमम। तकनी लॉकडाउन को भी आपने पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट किया। लॉकडाउन मेरा बहुत पॉजिटिव गया था, मेरे दिन के 8 टू 9 आवर्स की स्टडी हो रही थी, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा मेडिटेशन था, वर्कआउट मेरे 2 से 3 घंटे के होते थे, मेरे स्लीप साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब स्टार्ट में हुई थी बट देन 6 आवर्स पे आके कंप्लीट होके पूरी आरएम साइकिल एंड प्रॉपर जो डे जैसा एक ऑफिसर का मैं सोचता था कि होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा मेरा खुद ही जा रहा था। जी जी, आई जस्ट ऐड वन थिंग, आजकल कैंडिडेट्स क्या होता है कि 5 घंटे क्लास ले लिए, ये ले लिए, सर हम थक गए। I want to tell you one thing, gentlemen. Just understand one thing clearly, यार कि सुबह 4 बजे जिंदगी शुरू होती है और रात के 11 बजे बंद होती है। Yes. कैसे फौजी बनने जा रहे हो भाई? और आप उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को, उन चीजों को आप वहां से सीखते हैं, आपको वही अच्छी लगती है और वही जीवन जीना चाहते हैं, और जब रियल लाइफ में वही चीज करना पड़ता है तो आप क्या हो जाते हैं? नहीं कर पाते हैं, आप डबलाइज हो जाते हैं। तो ये कहीं से कहीं तक अच्छी बात नहीं है ओवरऑल। आपको बेटा उस लाइफस्टाइल को अभी से ऑप्ट करना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना होगा, तभी जाकर के आप उस सफलता को तय कर पाएंगे। तो जब इस दौरान ये सब चीजें चल रही थी तो कहीं ना कहीं ब्रेन में, जैसे एनसीसी आपने किया, तो एनसीसी का एक्सपोजर आपके जीवन में कैसा रहा और वो किस हद तक आपको लगता है कि मदद किया होगा सीधे जैसे एंट्री में आपको बेहतर कर पाने? सर, एनसीसी मेरा लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्टार्ट में तो मैंने एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता कि हां यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा, व्हाइट ड्रेस का बड़ा अट्रैक्शन भी होता है, फुल व्हाइट यूनिफॉर्म का था। बट एनसीसी ज्वाइन करने के बाद जब आप, पहले ईयर तो आपका सिर्फ रगड़ा चलता है, राइट, सो फिजिकल में इंटरेस्ट होने की वजह से वो मजा भी आ रही थी उसमें। देन सेकंड ईयर से आपका सर्विस सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, आपके नेशनल कैंप शुरू हो जाते हैं, सो आई वेंट फॉर शिप अटैचमेंट कैंप, वो नेशनल कैंप है, आई रिप्रेजेंटेड उत्तर प्रदेश देयर। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको 14 दिन शिप और सिर्फ आईएनएस के शिप्स पे रुकना होता है, आई स्टेड इन आईएनएस मुंबई फॉर 7 डेज, अलग एक्सपोजर था। आईएनएस ब्यास आई विजिटेड सबमरीन्स देयर, सो वो अलग ही एक्सपोजर मिला सेकंड ईयर में मुझे। तो वहां से जब डिफेंस लाइफ देखी और ऑफिसर का आप लाइफ देखते हैं वहां पे, उसके वॉकिंग का तरीका, तो अलग ही क्रेज आता है कि दैट्स व्हाट आई वांट टू बिकम। एग्जैक्टली। फिर जब मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी एनसीसी की, तो अभी तक तो दिमाग में ऐसा था कि हाँ यूनिफॉर्म पहनना ऐसा होता है वैसा, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको पहना, द वे माय फैमिली लुक्ड एट मी, द वे माय फ्रेंड्स वर लुकिंग एट मी, और फिर जब पहली बार 15 अगस्त की परेड गई, सो तो वो जो पूरा एक्सपीरियंस था, ऑल दैट स्पिक एंड स्पैन एंड स्पिट एंड पॉलिश, so that really impressed me and that was the moment that I knew that this is what I wanted to do the rest of my life. so वहाँ पे मुझे पता था कि ये मुझे पूरी ज़िंदगी अब यही करना है। exactly। श्रेयांश, जब आप ये बातें कह रहे हैं तो it's come like a goosebump because yes, every time it's happened in the life when I become the part of NCC for the army being it's experience sir, once yes, you wear that dress and you got such opportunity in the life, just feel like that कि यार वो second command वाली फौज की feel आ जाती है कि हमें भी जिम्मेदारी दी गई है और हमें भी कुछ करना है। और ये लगता है कि जब इस वर्दी में ये फीलिंग आ रही है तो जब हम उस वर्दी में होंगे तो क्या फीलिंग आएगी? यस सर। और बच्चे हमेशा मेरे से पूछते रहते हैं कि सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द एक्चुअल रीजन व्हाई आई वांट टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज, तो मुझे लगता है यही रीजंस हैं। हां सर। और ये कोई और नहीं दे सकता आपको, अंदर से ही आएगा, ये अंदर से आता है। एंड डू समथिंग जिससे वो फीलिंग आपके अंदर आए बेटा, और ये रियल नहीं हो सकता है, इसको रियल लाना पड़ता है। Then you need to do something like that in the life, which make you feel like, यार मेरे को इधर क्यों जाना है और मुझे ये stars ये वर्दी क्यों चाहिए? That is very much important. किसी और के लिए नहीं, ना किसी और, nothing. It's you. Yes sir. You are living for that. I know. इसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत लोगों की प्रेरणा होगी, बहुत लोगों का सपोर्ट होगा, दैट्स ट्रू, बट एक्चुअल आप हो। यस सर। और आप अपने दम पे इस चीज को पा रहे, उसमें किसी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, आपको सब गाइड कर सकते हैं। अल्टीमेट तो परफॉर्म आपने किया हर स्टेप पे, तभी आप जाके सफल हुए। yes, अच्छा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, बिल्कुल वो फीलिंग आ चुकी है और अब एग्जाम पे भी फोकस हुआ और फाइनली आप नवंबर 2020 एग्जाम में बैठ गए। यस। तो इस बार आप प्रीटी कॉन्फिडेंट थे एग्जाम को? इस बार मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने जो पढ़ाई करी थी वो प्रॉपर स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करी थी, रादर देन जो मैं पहले के बस कोर्स कवर करना है, इतना सिलेबस आता है, इतना सिलेबस है, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, वो क्लियर हो जाएगा। बट देन आपको एक बहुत अच्छा कोट मिला था मुझे ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कि बिफोर स्टडिंग फॉर एनी एग्जाम स्टडी द एग्जाम। क्या बात है, कि आप पढ़ाई करना बस शुरू कर दो सिलेबस देख के ऑनलाइन की, हाँ ठीक है सब्जेक्ट सारा पढ़ना शुरू कर दो, दैट डजंट मैटर क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा वास्ट है एंड अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी उस तरह से नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, अगर मे बी आपने कर भी लिया तो बेयरली आप कट ऑफ को ही क्लियर कर पाओगे। तो अगर आपको, अगर आप OTA जा रहे हो स्पेशली, तो वहाँ पे मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो आपको स्ट्रेटजी अपनी ऐसी रखनी पड़ेगी कि आप मेरिट में भी आओ, कट ऑफ तो क्लियर करो ही करो, बट अच्छे खासे मार्जिन के साथ करो ताकि वो आपके फर्दर जर्नी के लिए
वो सक्सेसफुल है। तो चलो दो चार पॉइंट पर रिटर्न को लेकर जानना चाहूंगा, क्या स्ट्रेटजी रही जीएस पार्ट को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी आपकी रही इंग्लिश को लेकर, और क्या स्ट्रेटजी आपकी रही अर्थमेटिक पार्ट को लेकर। तो सबसे पहले जनरल स्टडीज पार्ट पे आते हैं। जनरल स्टडीज़, हाँ सर, वो तीन पेपर हैं हमारे, तो जनरल स्टडीज़ हमारा सेकंड नंबर पे होगा। बिल्कुल। तो जनरल स्टडीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 है, जैसे बाकी दोनों में, मतलब मैथ्स में 100 है, इंग्लिश में 120 है। तो जीएस में आपके सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और करंट बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। एक्जैक्टली। तो फिर ये था कि इतने सब्जेक्ट्स को अगर मैं 120 क्वेश्चन में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर रेशो में ही आएगा। तो पहले सैंपल पेपर्स मैंने पुराने लगाए एक दो ठो, कि मेरे खुद का लेवल कहाँ पे वो पता चले पुराने स्टडीज से। राइट राइट। उसके बाद कुछ ऐप्स का यूज़ किया जहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज हमको क्वेश्चंस मिल रहे थे, फिर वहाँ से पता चला कि मॉडर्न, अगर हम हिस्ट्री उठा लेते हैं तो सब सेक्शन में मैंने डिवाइड करना शुरू किया। हिस्ट्री का आपका एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। राइट। एंशियंट और मेडिवल से रेयरली क्वेश्चन आते हैं, एक या दो आ जाएंगे जी, जिनको आप चाहो, अगर आप AIR 1 का नहीं सोच रहे हो तो उसको ऑमिट कर सकते हो, स्टार्ट के लिए वो बेटर भी है। तो मैंने एंशियंट और मेडिवल को छोड़ दिया, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने उठाई, फिर मैंने पॉलिटी उठाई। अब मॉडर्न हिस्ट्री आपकी शुरुआत होती है डिक्लाइन ऑफ मुगल से, वहां से आपको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही राइज ऑफ ब्रिटिश आता है वहां से आपकी पॉलिटी कनेक्ट हो जाती है। राइट। अब यहाँ से चार्टर एक्ट पढ़ रहे, वही आपके रेगुलेटिंग एक्ट बन के आगे जाके यूज होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो यहाँ से आप मॉडर्न हिस्ट्री को और पॉलिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो रही, पॉलिटी वहां से शुरू हो रही है जी। तो इस तरह से अगर आप लिंक बना के माइंड मैपिंग करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है कोर्स को कंस्ट्रक्ट करने में और दिमाग पे वो कॉन्सेप्ट बार बार लाने में, स्पेशली टाइमलाइन में जो हिस्ट्री में बहुत दिक्कतें बढ़ता है। और उसके जैसे आपका पॉलिटी का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके फंडामेंटल राइट्स से DPSP तक के पॉइंट्स डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये किस आर्टिकल से आता है, लास्ट दो टाइम तीन टाइम से डायरेक्टली आर्टिकल्स के बारे में ही पूछ रहा है। प्लस उसके बाद अगर आप वास्ट डीप में जा रहे हो, तो प्रेसिडेंट हो गया, यूनियन हो गया, जो मेजर टॉपिक्स है पहले उनको कवर करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग की लाइन वाइज आप जॉब सेक्शंस बना लो पहले, कि प्रेसिडेंट के अंदर ये आते हैं ऐसी पावर्स, क्योंकि कई कई पावर्स है जो बाहर भी हैं, तो आपको वो आर्टिकल्स भी उठा के वहाँ रखने हैं। पार्डनिंग पावर्स हो गई आपकी, आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, इन सबको आप इकट्ठे पढ़ो प्रेसिडेंट में, फिर आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी ऐसे कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से बड़ी अच्छी चीज मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन, बच्चों को हमेशा क्या लगता है कि मुझे कोई और बता देगा, हाँ सर, मुझे कोई और समझा देगा और जादू हो जाएगा और वो हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा, और हम ये बात एज ए कॉम्पिटिटर आपको समझा रहे हैं, यूपीएससी फेस किया है, लाइफ का वो एक्सपीरियंस है, श्रेयांश का भी रहा, मेरा भी रहा। दैट्स वेरी ट्रू सर, कि जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे कोई मतलब, और हम अपने स्टैंडर्ड को नहीं जज करेंगे, तब तक कभी भी एग्जाम में सफलता पाना संभव नहीं। और ऑनलाइन बड़ी अच्छी आपने कोट कर दी, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि आप कॉम्पिटिशन को स्टडी कर लो सही ढंग से, कि आखिर उसका ओवरऑल स्टैंडर्ड क्या है, क्या चीजें बन रही हैं, कहां से आ रही हैं, वही चीजें आपके सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। बेटा तू बी रियल यार, रियल बनना है। ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है, गाइडेंस लेना होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं, और ऑब्वियसली हम बीइंग अ मेजर कल्सी क्लास बेस्ट करते भी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बट इन सब के बावजूद हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मैच्योर, सेंसिबल और प्रैक्टिकल बने, क्योंकि अल्टीमेट सफलता आपको लेनी है, एग्जाम आपको देना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पार्ट की ओर, और करंट तो अब लिंक हो ही जाएगा, लो ही जाएगा। तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, हाँ, करंट का यहाँ बहुत मेजर रोल है, कि ज्योग्राफी का कोर्स बहुत वास्ट है। आप मैपिंग पढ़ो, फिर आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो ये मैं जो अब एडवाइस दे रहा हूँ, ये मेरे लिए काम कर रहा था, अब इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना, क्योंकि सबके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग है। तो मैंने जो किया था, वो मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पाए बुक नहीं पढ़ा, मैंने करंट अफेयर से प्रॉपर अपडेट रखा। अब जैसे करंट में कोई टॉपिक उठ के आ रहा है, तो फिर मैं उसके बारे में, मान लीजिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट निकाला, राइट, सो मैं उसको इकोनॉमिक्स से फिर लिंक करूंगा, रेपो रेट क्या होता है, उसके बाद फिस्कल रेट क्या होता है, प्रॉपर कनेक्शन, उसके ऊपर के दो टॉपिक, नीचे के दो टॉपिक, उस एरिया में जितने भी कवर्स टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर करूंगा। यही सही स्ट्रेटजी है, यही है। और उसके बाद ज्योग्राफी में कोई लीजिए किसी इंटरनेशनल न्यूज में किसी कंट्री के बारे में पूछा, अब मान लीजिए रिसेंटली अभी जैसे टोक्यो का चल रहा है ओलंपिक्स का, तो आपके जापान के चार आइलैंड्स हैं, अब जापान के बारे में पूरा पढ़ लो कि चार आइलैंड्स क्या है, उसके पीछे कौन सी स्टेट है जो उसको रशिया से अलग करती है, शायद में साउथ चाइना सी से कौन सा पास आता है, ताइवान वगैरह, तो ये आसपास की आप चीज़ों को कवर करो, तो आपका ज्योग्राफी वैसे कवर होगा। थोड़ा बहुत अगर और डिटेल में जा रहा था, वहाँ के फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ लो। तो जो टॉपिक्स आपके न्यूज़ में है, अक्सर क्वेश्चन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के वहीं से आते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स के तो वहीं से ही आते हैं। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का पूरा टॉपिक कवर करने के बजाय अगर आपको टाइम प्रिपरेशन टाइम कम मिल रहा है, तो आप करंट से लिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। नवंबर में एग्जाम है और नए फोकस स्ट्रेटजी के साथ इन्हें लगना ही पड़ेगा, और फिर बैक टू बैक फैब में भी है, फैब में भी है, तो स्ट्रेटजी तो सही बना, सही बनानी पड़ेगी। जनरल साइंस पार्ट का सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब सर, बिकॉज आई हैड अ साइंस बैकग्राउंड,
सो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी उसके लिए, प्लस पॉइंट था फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने बस लूसेंट का उठाया बस, आप उससे रिवीजन कर लो। हाँ, बायोलॉजी का थोड़ा डीप में जाना पड़ा बिकॉज 10th के बाद से मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मैंने एनसीईआरटीज उठाई क्लास 8 से लेके 10th तक की एनसीईआरटी। अगर आप नॉर्मली भी एक बार रीडिंग कर लेते हो और प्रॉपर फैक्ट्स को हाईलाइट कर लेते हो और एग्जाम के पहले उसको नोट्स बना के रिवीजन कर लो, दैट्स गोना कवर मैक्सिमम ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी मदद करेगी, एनसीईआरटी बहुत मदद करेगी आपके साइंस में। बेसिकली बच्चों में एक अर्थमेटिक पार्ट को लेकर बड़ा फोबिया रहता है, इसलिए आर्मी छोड़ के सारे ओटीए से छोड़ जाते हैं। इसको लेके कैसे स्टार्ट, बहरहाल आप मैथ से तो रहे ही हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट एग्जैक्टली कैसे ये फोबिया खत्म किया जाए इनके अंदर? सर मैथ्स का फिर यही है कि 100 क्वेश्चंस पहले तो आपके, तो पहले आप देख लो किससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि जनरली स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं काफी इजी टू अटेम्प्ट होते हैं, अगर कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिस से उसको स्ट्रॉन्ग कर भी सकते हो अगर दिक्कत नहीं है तो। तो अगर आप स्टैटिक्स के क्वेश्चंस हो गए, आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, इसके नंबर ऑफ फॉर्मूलाज लिमिटेड है, उस उनके एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो आप नंबर ऑफ फॉर्मूलाज को पहले रिवाइज कर लो, याद कर लो अच्छे से बाय हार्ट, फिर उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके के लगा लो। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए रखना, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको हर तरीके के क्वेश्चन जरूर लगाने, कम से कम 5 से 10। तो एक बार आपके दिमाग में आइडिया बैठ जाएगा कि किस फॉर्मूले को कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है। कभी बार क्वेश्चन को रिलेट कर देता है आपके टाइम एंड वर्क को, मेंसुरेशन से रिलेट कर देगा इन सब चीज़ों को। सो उसका बैलेंस आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगाओ, और बेस्ट होता है कि आप सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दो, एक बार आप सारे क्वेश्चंस को लगा लो तो एक स्टैंडर्ड का पता चल जाता है, स्टैंडर्ड का बहुत पता चल जाता है, और उसी हिसाब से आप कॉन्सेप्ट पे काम कर पाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस के आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर पाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट कैसा रहा, इवन आप सबका तो फेवरेट पार्ट ही रहा है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पे कैसे काम किया? इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए, क्योंकि जैसे कि मेरा फेब 2021 का भी सीडीएस क्लियर हुआ है, और उसका एग्जांपल अगर बताऊं तो मैंने 120 क्वेश्चंस में से 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिससे 90-95 क्वेश्चंस इंग्लिश के सही है। सो मे बी दैट इज द रीजन मेरा हर बार आई एम एन ओटी का कट ऑफ पूरा क्लियरली क्लियर कट हो जा रहा है। सो इंग्लिश बहुत एक स्ट्रॉन्ग है, जरूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए, और बेस्ट तरीका जो मैं यूज करता था इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए वॉज आई नेवर फोकस मच ऑन ग्रामर, मैं हमेशा फोकस किया हूँ सैंपल पेपर के लिए। दो पेपर आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, एक तो न्यूज़पेपर, एक सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप एक एग्जाम में उसको ट्राई कर लो, मैं हमेशा प्रिपरेशन, मेरी पढ़ाई एक महीने पहले रुक जाती थी, फिर मेरे सैंपल पेपर शुरू होते थे, हर दिन के 1 से 2 सैंपल पेपर लगाऊंगा, एक टारगेट बनाना है, कवर करना है। और कुछ ऐप्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर उसका एनालिसिस मिल जाएगा कि किस टॉपिक पे हैं, किस क्वेश्चन का किस तरह से सॉल्यूशन होगा। और इंग्लिश का है कि अगर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार उतने ही क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप 5 से 6 पेपर भी अगर लगाते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली यही होगा, यही होगा, यही वाला है, कोई टाइम नहीं लगेगा। यूपीएससी एक पेपर में सिमिलैरिटी तो रखती है, ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपको हर पेपर में, तो आपको एक बढ़िया दिशा दे देता है, बहुत बड़ा रिटर्न में मुझे लगता है कि बहुत ढेर सारा गाइडेंस इन्हें मिल गया जो कि आने वाले एग्जाम में मदद करेगा। तो इस तरह जर्नी शुरू हुई, नवंबर में एग्जाम हुआ फाइनल, तो रिजल्ट्स कब आया 2020 नवंबर का? सो रिजल्ट्स मैंने चेक करने में थोड़ा लेट कर दिया था, एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए थे हमारे दिसंबर में, बट वो विंटर वेकेशन और ऑल चल रहा था, मैं फन में घुस गया था, तो मेरे दोस्तों ने कॉल करके बताया कि रिजल्ट्स आ गया, चेक कर लो। सो आई वाज लाइक ठीक है देखते हैं, देन आई चेक, मेरा आईएमए क्लियर हो गया था, तो सबसे पहले पेरेंट्स को बताया कि आईएमए रिटर्न क्लियर हो गया, देन वो लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की, सो आई वेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन, उसके लिए मैं हेल्प करी मेजर कल सिया था क्योंकि साइट डाउन चल रही थी, सो आई गॉट हेल्प फ्रॉम हियर, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, देन इलाहाबाद एसएसबी बोर्ड मिला, वो जो 19 एसएसबी। क्या डेट थी एसएसबी की आपकी? डेट की मैंने डेट सेलेक्ट करी थी 21 अप्रैल। अच्छा 21 अप्रैल आपने सेलेक्ट किया, यस। उस समय फिर लॉकडाउन भी हो गया, एक अजीब सा माहौल चल रहा था, यस। तो बैरल एसएसबी नहीं रुकी, एसएसबी का प्रोसीजर क्या था? एसएसबी कंटिन्यू रखा, बट काफी नॉर्म्स अलग लगे होंगे जब आप 21 को रिपोर्ट किए होंगे। हाँ सर, वो काफी एक तरह का डर था अंदर थोड़ा सा कि ऑफ कोर्स कोविड चल रहा था, एंड ये पीक पे था ना, आपको प्रिपरेशन तो करनी है, और प्रिपरेशन के लिए मुझे अपने सीनियर से मिलना है गाइडेंस के लिए, जो ऑलरेडी एसएसबी दे चुकी, मेरी लास्ट एसएसबी 2016 की थी, सो देयर वाज अ ह्यूज गैप, सो उसको कवर करने के लिए कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, लोग किस तरह से प्रिपरेशन इस टाइम पे कर रहे हैं, क्या करंट टॉपिक्स जीडीएन लेक्चर के चल रहा है, तो लोगों से मिलना भी था, फिर ये भी था कि अगर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करा के जाना है तो एक टाइम गैप मेरे 14 दिन का ये भी लेना है, सो उन सबको मैनेज करते करते हैं, क्लासेस भी मैनेज करनी थी, सो प्रॉपर तो फिर वही प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेते हुए, फिर फेस शील्ड लगाना है आपको, मास्क लगाना है, प्लस मैं ग्लासेस पहनता हूँ तो मास्क लगाने को वो फॉग हो जाता है, सो वहाँ पे हाँ स्क्रीन के अंदर काफी दिक्कतें आई थी कि मैं नरेशन कर रहा हूँ, मेरे ग्लासेस पूरे फॉग हो गए, मुझे सिर्फ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, सो आई एम जस्ट मूविंग माय हेड कि हाँ मुझे सब दिख रहे हैं, आंखों में आंखें डाल लो, बट आई वाज नॉट एबल टू सी एनीवन, बट आई जस्ट प्रिटेंडेड कि हाँ मैं देख रहा हूँ सबको,
सो बट इट वेंट गुड, परफॉर्मेंस मैंने अच्छी रखी, मेरा रीजनिंग काफी अच्छा गया था जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है वायर में, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। तो स्क्रीनिंग हुए फिर आगे की जर्नी स्टार्ट हुई, साइकोलॉजी जी टू एन इंटरव्यू, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा रहा ये सारा एक्सपीरियंस? सर मैं गया था एसएसबी, था कि मेरा फेब वाला क्लियर हो गया है, तो मेरा ये था कि काफी टाइम बाद जा रहा हूँ, बस स्क्रीनिंग हो जाओ किसी तरीके से, उसके बाद चार दिन मैं एक्सपीरियंस लूंगा, नेक्स्ट वाले में मेहनत करके जाऊंगा, हो जाता है नेक्स्ट वाले में मेहनत करके जाऊंगा, जो गलती होंगी उसको सुधारूंगा। तो एसएसबी में स्क्रीनिंग हो गया, स्क्रीनिंग में थोड़ा अच्छा गया था मेरा, देन नेक्स्ट डे आपका साइकोलॉजी होता है, देन यहाँ से जो प्रॉपर ट्रेनिंग मुझे मिली थी, कैप्टन एस के सिंह सर हैं, काफी ज्यादा क्रेडिट मेरे सक्सेस को उनका जाता है, उन्होंने पूरा प्रॉपर गाइडेंस मुझे साइकोलॉजी इंटरव्यू प्लस जीटीओ में दिया है, पूरा का पूरा गाइडेंस उनका था। तो जो तरह कहना होता है कि आपको रिक्रिएट करना होता है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग योरसेल्फ जिसमें ज्यादा आपका टाइम जाएगा और मॉन्क लाइफ जीनी है नहीं, एंड फास्ट वर्ल्ड में उससे अच्छा है कि आप खुद को रिक्रिएट कर लो, जो क्वालिटीज आपको चाहिए वो अंदर फिट करो, उसको प्रैक्टिस करो, 21 दिन में आपकी क्वालिटीज आपके अंदर लाओ होनी चाहिए, अब अंदर लाना पड़ेगा, वैसे भी कहते हैं 21 दिन में क्वालिटीज को लाया जा सकता है भाई, इट विल ट्राई, वो ट्राई करना है। तो साइकोलॉजी काफी अच्छा गया था मेरा, और इलाहाबाद बोर्ड में काफी दिक्कत यहाँ पे आई थी कि लगातार 3 फोटोज मेरे किसी ड्राउनिंग मैन की थी, और फिर उसके बाद 2 फोटोज नॉर्मल थी, ट्रिप वगैरह की थी, न्यूट्रल फोटोज, देन उसके बाद लगातार 2 फोटोज में कोई डूब रहा था, तो टोटल 11 स्लाइड्स में से 5 स्लाइड में कोई ना कोई डूब रहा है, सो वहाँ पे एक चैलेंज आ गया था कि आप स्टोरीज को किस तरह से चेंज करोगे, क्योंकि आप रिपीटेटिव नहीं दे सकते हो, सेम टाइप का 12 स्टोरीज ही आपके पास, उसमें से आप 5 को अगर सेम स्टोरी दे दोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सो वहाँ पे चैलेंज था कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड आपको थोड़ा चेंज करना है, प्लस उसके बाद एक्शन क्या होता है, फिर उसने सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया, क्योंकि सिर्फ एक्शन करने से नहीं होता है, एक्चुअल लीडर्स उसका सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर कोई गड्ढे में गिर रहा है आप उसको उठा के चल दोगे तो दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन, आपको गड्ढा भरना पड़ेगा वहाँ पे, दोबारा कोई ना गिरे, एंड दैट्स द प्रोजेक्टिव थॉट प्रोसेस एज अ लीडर, यस सर, बिकॉज यही एक लीडर करता है कि समस्या से किसी को निकालते नहीं बल्कि उस समस्या को ही खत्म कर देता है, दैट इज ऑल अबाउट। फिर वैट का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है, वैट का जो स्ट्रेस मेरा यहाँ पे भी प्रैक्टिस के टाइम भी काफी था, बट वहाँ पे हो जाता है वो मेरा हमेशा कह रहा है कि स्ट्रेस में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस होती है, सो 15-15 सेकंड करते करते वैट में मैंने 1-2 छूटे होंगे, क्योंकि वर्ड्स का मतलब ही नहीं आ रहा था, थोड़े 58 मेरे हो गए थे, देन उसके बाद SRT में मैंने 48 अटेम्प्ट किए थे, SRT में भी मेरी अच्छी गई थी, बाकी मेरे साथ जो 2 रिकमेंड हुए थे उन्होंने भी 45-46 ही अटेम्प्ट किए थे, तो आप 40 अगर क्रॉस कर लेते हो सो दैट्स अ सेफ साइड टू प्ले। टोटल कितने लोग रिपोर्ट किए थे वहां पे स्ट्रेंथ? 32 रिपोर्ट किए थे, 32 रिपोर्ट किए थे, एंड 13 गॉट स्क्रीन इन, एंड 13 गॉट स्क्रीन इन, 13 में कितने रिकमेंड हुए? 3। दिस इज द क्वालिटी ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द एसएससी, यस, क्योंकि एक लेवल आप स्क्रीनिंग वहां पहले ही लग के आप जा रहे हो, क्योंकि आप यूपीएससी क्रैक करके आ रहे हो, तो आप क्रेडिबल हो उनके लिए, आप एक एग्जाम एक मौका आपने खड़ा किया हुआ, तो लाजमी से बात है कि सेकंड स्टेप पे आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यही क्राउडेड है, 50% के आसपास स्क्रीनिंग होती है, और उसमें भी आप मान के चलिए कि जो भी 50% स्क्रीनिंग है उसमें से आप कह सकते हैं 3-4% तक चला जाता है, जो बड़ा कहा जाता है, जितनी भी यूपीएससी एंट्रीज है उनका आप देख सकते हैं 3-4% ज्यादा, जो कि अपने आप एक बड़ा रिजल्ट माना जा सकता है। दिस इज द मेन रीजन मैंने कभी एनसीसी एंट्री को ऑप्ट ही नहीं किया, राइट, क्योंकि एक वो आ जाता है ना कि आपके अंदर ये बुरी चीज नहीं है, बट एक रिपीटर का जो टैग होता है, दैट टैग इज नॉट बैड, बट वो मेरी पर्सनालिटी के साथ मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार जा रहा हूँ, एंड भीड़ जिस हिसाब से आती है, एग्जैक्टली, तो वो सीरियस आपके पास था तो कोई जरूरत ही नहीं, आपके पास बेस्ट एंट्री है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्किल, फिर उसके बाद जीटीओ कैसा रहा आपका? जीटीओ हमारा काफी बेस्ट था, वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था उसका, क्योंकि आप ग्रुप के साथ पूरा इन्वॉल्व रहते हो, जो मेरा ग्रुप था वो भी काफी अच्छे लोग आए थे, काफी ज्यादा नॉलेजेबल थे, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल थे, मैं एक्सेप्ट करता हूं, काफी ज्यादा थे, दैट इज द प्लेस। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग जेंटलमैन, कि जब आप कमीशन कैटेगरी के लिए जाते हो, एंड स्पेशली गोइंग थ्रू द यूपीएससी एंट्री, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द टीए एंट्री, स्पेशली इवन एसएससी टेक एंट्री, देयर आर डायरेक्ट एसएससी एसएससी टेक, बट जो क्राउड, यू टॉक अबाउट द जैग एंट्री, जो कैंडिडेट्स आते हैं ना, स्टैंडर्ड इज रियल, वहां जाकर पता चलता है ना कि मैं इनके आगे बौना हूं, यस सर, दे आर मोर स्मार्ट देन मी, यस सर, कम्युनिकेशन वाइज, स्मार्टनेस वाइज, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, फिर लगता है यार ये देश है हमारा और ये लेवल है कॉम्पिटिशंस का, तो सच कह रहा हूँ कि लाइफ में वो ऐसा जगह है जो ये एहसास कराता है कि नहीं मेरे भी बाप हैं इधर, है बहुत है, इट्स ऑल अबाउट बॉस संख्या, क्योंकि स्पेशली एज फैक्टर भी था, बिकॉज़ माय एज वाज 21, ओके, एंड सीरियस का स्टार्ट ही होता है, तो उसके बाद मुझसे काफी बड़े बड़े लोग थे, तो इट वॉज लाइक की हर मिनट में कुछ सीख रहा हूँ, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेवल की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेम माइंड सेट के लोग हैं और आपसे बेटर हैं उस चीजों में, हर मोमेंट
तो फिर जीटीओ का ओवरऑल जर्नी आपका बढ़िया रहा? जीटीओ बहुत अच्छा गया था मेरा। कमांड टास्क मेरा करीब आधे घंटे तक चला था, इट वाज अ लॉन्गेस्ट। तीन कमांड टास्क मुझे मिले गए थे, जनरली लोगों का एक या दो में खत्म हो जा रहा था, उन्होंने मुझसे तीनों कराए थे। काफी कॉम्प्लिकेट किया कि इसको रेड कर दूं, इसको ब्लू कर दूं, जहां आप खड़े हो जगह ही नहीं है। सो बेस्ट होता गया मेरा, होते 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 पूरा कंप्लीट हो गया था। कमांड टास्क जितने अच्छी तरह से मेरा हुआ था, वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस आई माइट गेट रिकमेंडेड फ्रॉम जीटीओ। और साइकोलॉजी भी ठीक ठाक गई थी, बट नेक्स्ट आया था इंटरव्यू जिसमें लोगों का थोड़ा डर ज्यादा होता है। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए सर सबसे बेस्ट बात जो कैप्टन एस के सर ने बताई थी, वो लाइन मैंने दिल में बना ली थी कि एसएसबी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। क्या बात है। तो एसएसबी के इंटरव्यू के एक रात पहले लोगों का डिस्कशन चल रहा था, वो चाइना के बारे में बातें कर रही है, बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉलेज लेवल ऑफकोर्स वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स है तो बहुत ज़्यादा था। एक नर्वसनेस अंदर क्रीप डाउन करने लगी कि आप क्या, अगर ये पूछ लिया तो क्या होगा, फिर ये पूछ लिया तो क्या होगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर ये दिमाग वापस से ले वाली लाइन दिमाग में आई कि एसएसबी इज नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मैंने वो डिस्कशन छोड़ा, मैं एक दोस्त को पकड़ा जो जस्ट नंबर 8 मेरे साथ का था, प्रज्वल वाज हिज नेम, वो काफी अच्छे दोस्त थे हम, ही गॉट रिकमेंडेड एज़ वेल। दैट्स वेरी नाइस। सो मैं और वो गए टेबल टेनिस लिया। व्हाट वाज द रैंक ऑफ प्रज्वल? प्रज्वल की रैंक है 35 है उसकी। अच्छा, व्हाट 35? व्हाट 35? सो वी प्लेड टेबल टेनिस फॉर एन आवर एट लीस्ट, डिनर करके फिर सो गए कि अब जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। काफी प्रिपरेशन कर ली है हमें, खुद को प्रेजेंट करना है, वी नो व्हाट वी आर। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसे इंटरव्यू में ऐसे कई क्वेश्चंस आए, लोगों का ये डर अक्सर रहता है सर कि जीएस काफी इंप्रूव करनी है, तो लोग क्या बोलना है क्या बोलना है, इतना सोच लेते हैं कि किस तरह से बोलना है, वही भूल जाते हैं, वही भूल जाते हैं। राइट, वेरी गुड। सो मैंने यही दिमाग में रखा था कि जो आएगा कॉन्फिडेंटली बताऊंगा, जो नहीं आएगा उसको क्या ही कर सकते हैं। तो फिर कई क्वेश्चंस ऐसे आए उनके मेरे सामने जो मुझे कुछ तो सिंपल से थे जिसके आंसर मैं उस टाइम पे भूल गया, जो कि एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हर डिफेंस एस्पिरेंट को पता होता है कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स आज तक कितने बने हैं? मैंने बोला सर एक बने, नाम क्या है? मैं भूल गया। मैंने कहा सर आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मैंने गलती करी थी। अच्छा, और एक आध क्वेश्चन याद है आपको? और क्वेश्चन हाँ याद है, एक तो था कि सपोज इफ आई गिव यू 17 लाख रुपीज ऑन 3.5% पर एनम, देन आफ्टर 3 ईयर्स हाउ मच मनी विल यू रिटर्न टू मी, सो एन आंसर इन 20 सेकंड्स। मैं कैलकुलेशन किया, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सो आंसर वाज सपोज टू बी 21 लाख, और मैंने उनको 35 लाख बोल दिया। अच्छा। तो उन्होंने हंस के बोला कि श्योर लॉक कर दें, कैसे लॉक कर दीजिए। और मुझे पता था मैंने गलती कर दी, 35 लाख कभी नहीं आने वाला है। फिर वो भी हंसने लगा, मैं भी हंसने लगा, तो हंसते हंसते का जितना स्ट्रेस बनाने की कोशिश थी मैंने हंस के टाल दिया। तो इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद पड़ा हो, प्लस हमारे दो इंटरव्यूअर वहां बैठे थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इधर बैठे थे छोटी डेस्क पे, जो ट्रेनी ऑफिसर थे वो बड़ी डेस्क पे बैठे थे, तो घुस के लगा कि सर इज द ट्रेनी एंड वो मेन ऑफिसर है। तो मेरा काफी फ्रैंक इंटरव्यू सर के साथ गया, उन्होंने पीआईक्यू फॉर्म से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे, तो 40 मिनट्स में से मेरा करीब 30 मिनट्स उनके साथ गया था, देन 10 मिनट्स सर के साथ गया था जो स्ट्रेस इंटरव्यू ले रहे थे। सो मेरा इनके साथ काफी इंटरव्यू गया कि ठीक है, उन्होंने तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब वो सब है, प्लस काफी फ्रैंक इंटरव्यू था, काफी अच्छा गया था, स्माइलिंग एंड डेकोरम मेंटेन करते हुए फ्रैंकलीनेस कैसे लानी है, यहाँ से मैं ट्रेनिंग लेके जा चुका था। एग्जैक्टली। कि वो ऑफिसर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैंडिडेट्स को एक बात में रखना चाहता हूँ कि लाइक देखो इंटरव्यू में ऑफिसर भी जो बैठा हुआ होता है सुबह से शाम तक वही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, तो लाजमी सी बात है कि उसके सामने थोड़ा सा अच्छा एटमॉस्फेयर होगा तो उसे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा सा आप जॉली होंगे, थोड़ा पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, थोड़े से क्यूट होंगे, चाइल्डिश भी हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। एज ए ह्यूमन आप में ये सब चीजें हो सकती है, इतना आपको टेम्पो में इतना ऐसा होके रोबोटिक होने का जरूरत नहीं है, बी व्हाट यू आर एक्चुअली, आप जो है वो बनने की कोशिश करिए, वही दिखाने की कोशिश करिए। अब एसएसबी की ट्रेनिंग में सर बेस्ट बात ये होती है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ भी लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, मे बी आपको डिफेंस में ना भी जाना, बट एक बार आप एक्सपीरियंस आपको एसएसबी का लेना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन से उसका एक्सपीरियंस जो ओवरऑल होता है कि पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट आता है कहीं भी और किसी भी एग्जाम को देने से तो नहीं आएगा। कभी भी आप मेरा किसी भी एसएसबी इंटरव्यू का वीडियो देखेंगे तो मैं यहां से स्टार्ट ही करता हूं कि लाइफ में कुछ भी करना चाहिए, दैट इज वेरी गुड, और कुछ भी करो, दैट्स नथिंग मैटर, बट वंस यू नीड टू फेस द एसएसबी, इट्स जस्ट गिव यू अ लाइफ लेसन एक्चुअली, एंड इट्स चेंज एवरीथिंग, द मैच्योरिटी लेवल, कॉमन सेंस, बैलेंस, यू लर्न लॉट एक्चुअली। और आप किसी चीज में सीख ही नहीं सकते, दिस इज द ओनली एंट्री एंड दिस इज द ओनली थिंग बाय व्हिच यू लर्न लॉट, आप बहुत सीख पाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कोचिंग करते टाइम मैंने दो लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। एक दोस्त ने बहुत अच्छी लाइन दी थी कि जब हम लोग का इंटरव्यू चल रहा था तो वी वर ऑल स्ट्रेस्ड कि हाँ क्या विंग कमांडर केपी ठाकुर सर ले रहे हैं, राइट,
तो कैसा होगा, कैसा जाएगा। सो वन लाइन इज सेड कि अरे यार इंटरव्यू में तो बात ही तो करनी होती है, वो भी अपने बारे में बात करनी है, एक ऑफिसर आपसे बात कर रहा है। अब खुद सोचो कि लाइफ में कितनी बार आपको ये मौका मिलता है कि इतने हाई लेवल का रैंक ऑफिसर आपके सामने आधे घंटे बैठ के आपके बारे में बात कर रहा है, क्यों वो बात करेगा आपसे, क्यों ही वो बात करेगा आपसे उसके अलावा। तो ये मौज अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको खुल के बात करना चाहिए, बेस्ट मोमेंट है आपका लाइफ का, स्ट्रेस हो जाओगे कि सर यस सर नो सर, आपको आधे घंटे वो लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट हो सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बड़ी सीख श्रेयांश ने दी है कि वाकई में कोई भी विंग कमांडर रैंक का ऑफिसर या कैप्टन रैंक का ऑफिसर, मेजर रैंक का, कर्नल रैंक का ऑफिसर क्यों लेगा। ओबी ठाकुर सर आ रहे हैं, गोरा है उनका अपने आप में, तो लाजमी सी बात है वो आपसे आधे घंटे क्यों बात करेंगे। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो बिंदास टाइम जिए और दिल से हर वो बात, हर चीज जो आप कहना चाहते हैं, जो प्रश्न आपसे हो रहा है, बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसको कहिए। यही आपका कॉन्फिडेंस है और यही एक रियल हीरोइज्म है जो आपको अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। भौगड़े सारा चीजें डन होती गई, ठीक ही जा रहा है जैसे कि हम लोग सब कुछ देखें, तो फाइनली कॉन्फ्रेंस में आप पहुंच चुके हैं। कॉन्फ्रेंस कैसा था और उसमें कैसा माहौल था जब आप वहां पे इंटर करते हैं? कॉन्फ्रेंस सर ये हो जाता है कि एसएसबी में आप लास्ट डे आते आते आपके जो दोस्ती है स्पेशली सीडीएस एंड ऑल एंट्रीज में, जहाँ रिटर्न एंट्रीज है, तो आपका माइंडसेट काफी मिल चुका है, काफी गहरी दोस्ती वहां पे बन चुकी होती है। सो कॉन्फ्रेंस में हम लोग बाहर वेटिंग एरिया में शुरू के जिनका नंबर आ रहा है वो तो स्ट्रेस है, वो जाहिर सी बात है, बट पीछे वाले लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, हाँ ऐसा है उसका, देखा और कैलकुलेट कर रहे हैं उसका 10 मिनट लग गए हैं, लगता है वो डाउट केस में है। ये होता है कि या तो अच्छा, खुद ही रिजल्ट देते रहते हैं, रिजल्ट चलता रहता है कि हाँ सी बात हमारे से। अब तीन केस है, क्लियर रिजेक्शन है आपका, अगर आप जाओ एक मिनट वापस आ जाओ क्लियर रिजेक्शन है। सेकेंड केस जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा कि वो डाउट केस में जब चल रहे हो आपका 10 से 20 मिनट डिस्कशन होगा। थर्ड केस जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि आप बस जाओ एक मिनट में वापस आ जाओ, रिकमेंडेड हो क्लियर, तो वहाँ पे लोग हंसी मजाक चल रहा है। तो चेस नंबर 5 चेस नंबर 8 लोग का काफी लंबा चला था, तो फिर वहाँ चल रहा था कि हाँ ये सब है। देन कॉन्फ्रेंस में मैं इन हुआ, देन उन्होंने बुलाया बैठाया, उनका एक ही क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। सो मेरा वही नॉर्मल सा आंसर था, आई मेट माई सीनियर्स, आई टुक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि हाउ वॉज योर स्टे एंड एनी सजेशन। तो मुझे लगा कि अब ये क्लियर रिकमेंडेशन तो होता नहीं है, एक क्वेश्चन के बाद जा रहा है कि हो गया अब जो होना था नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करूंगा। फिर ऐसे करते करते करीब आधे से एक घंटे डिस्कशन चला, देन जब रिपोर्ट रिजल्ट सुनाने वो आए तो उन्होंने फिर डिस्कशन उसी से शुरू किया। तो फिर आपका अच्छा, जब आपसे ये सिचुएशन हुई लास्ट क्वेश्चन यही बना कि हाउ वाज स्टे एंड एनी सजेशन, तो कुछ सजेशन देने का मन किया कि नहीं सर? सब बड़े ही था, अब तो कुछ बोलना ही नहीं है, अब कुछ क्या ही कर सकते हैं एक क्वेश्चन में बाहर मतलब डाउट खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। तो मतलब ये जो खुद से रिजल्ट देने वाली ये आदत है इसको थोड़ा बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, बाकी जो होगा दैट इज ऑल अबाउट, चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनली आके फिर से बैठ गए आप लोग, फाइनली आके सब बैठ गए। उसके बाद फिर हो रहा था कि ठीक है एक मिनट चला मेरा नहीं हुआ, फिर मैं मना रहा था कि चेस नंबर 8 जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बना है, चेस नंबर 5 जो साथ में रिकमेंड हुआ था, चेस नंबर 10 इन तीनों का हो जाए, क्योंकि इन तीनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई थी। फिर जब फाइनल रिपोर्ट के टाइम आया उन्होंने बोला चेस नंबर 5 इज रिकमेंडेड, मेरा चेस नंबर 7 था, चेस नंबर 8 इज रिकमेंडेड, फिर उन्होंने डायरी बंद कर दी। फिर आई वाज लाइक ठीक है, खुश हूं मैं उनके लिए, खुश हूं एटलीस्ट जो सोचा। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग नेक्स्ट टाइम आइए, ऐसा बोल के 2 कदम वो गेट के साइड गए, फिर 1 कदम वापस लिया कि आल्सो चेस नंबर 7 इज रिकमेंडेड। तो इतना वो ड्रामेटिक था वो, बट इट वाज फन, वो जो अचानक से सडन फीलिंग था वो बेटर था पहले नाम आने के वजह से। एग्जैक्टली, फिर उठा रोल नंबर एंड चेस नंबर, रोल नंबर यूपीएससी रोल नंबर बताया, नाम बताया, देन साइड में जाके खड़ा हो गया। फिर सर गए, उसके बाद सबसे हाथ मिलाया, गले मिले, उसके बाद फिर फॉर्म फिलिंग चली थी, बहुत सारी फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन बहुत होते हैं उस दिन से, दोपहर से लेकर शाम तक डॉक्यूमेंटेशन, फिर नेक्स्ट डे पूरा दिन डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद से मेडिकल स्टार्ट हो गया। कितने लोग थे उसमें मेडिकल के लिए? सर मेडिकल के लिए हमारे पहले जो रिकमेंडेड थे तो टोटल हम लोग का 7 में ही हो रहा था, तो टोटल रिकमेंडेशन उस मंथ का जहाँ तक करीब 15 गया था, 5 का हो चुका था, तो बचे हम लोग 10 थे, 10 का अभी लास्ट के 2 दिन बचे हुए थे, 10 में से हम 3 बचे थे और एक 2 और बचे थे, 5 बाकी 5 का 2 दिन में खत्म हो गया, फिर हम 5 का 7 में चला था। तो कुछ लाइफ चेंज नजर आई लाइक जब हम कॉन्फ्रेंस के पहले वहां पे रहे और फिर जब मेडिकल का चेस्ट नंबर लग गया, तो फिर क्या एक्सपीरियंस, क्या फीलिंग उस समय रहा करती थी बॉडी के अंदर? वो मैजिकल फीलिंग है। आप पहला तो सब जो नए रिक्रूट्स आ रहे हैं वो आपको एक ऊपर देखने वाली नज़र से देखते हैं, तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है कि खुद को उस तरह से आपको रखना है। अब वो चाइल्डलेस आप नहीं कर सकते उनके सामने, क्योंकि वो गलत मैसेज जा सकता है। प्लस उसके बाद से आपस में भी दोस्ती यारी बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग टाइम भी काफ़ी फ्री रहता है आपके पास, क्योंकि मेडिकल के डेट्स आने में कभी कभी टाइम लग जाता है, सो हम लोग दिन भर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो सूबेदार मेजर हमारे सर थे वो पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट थे,
उसके बाद से फिर फ्रेंडली काफी नेचर हो गया था, तुमसे भी हंसी मजाक काफी होता रहता था, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। प्लस जो रिकग्निशन आपके दोस्तों से आपको मिलता है, कांग्रेचुलेशंस के फोन कॉल्स आ रहे, एक दोस्त को मैंने सबको बताया नहीं था, मैंने एक दोस्त को बताया, उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, देन द रेस्ट वाज हिस्ट्री। उसके बाद कॉल पे 2-3 दिन इसी में चला था, काफी लोगों ने कांग्रेचुलेट किया, तो काफी अच्छा फीलिंग था कि यस पीपल लव मी, काफी ज्यादा पसंद करते हैं और लोग आपके सक्सेस में आपके साथ रहते हैं, तो वो काफी अच्छा सपोर्ट रहता है कि मैंने जो किया है सिर्फ मेरा नहीं है, वो सबका सबका ड्रीम है, एग्जैक्टली सबका ड्रीम है, एंड मेक फील एवरीवन प्राउड, एवरीवन सबको प्राउड आप फील कराएं। आई थिंक इट्स लवली इंटरेक्शन विद यू श्रेयांस, बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, ऑलमोस्ट हर पहलू उठा दिया, काफी बड़ा इंटरव्यू हो गया, एंड बट मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को आप पाए होंगे और श्रेयांस की पॉसिबिलिटीज आपको कमाल लगा हो कि somebody get recommended तो there is a reason, तो वो रीजंस आपको भी तलाशने हैं, उस हिसाब से आपको भी मेहनत करना, वही सफलता का कारण बनेगा। तो फाइनली श्रेयांस मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर मेडिकल हुआ आपका, और मेडिकल में फीडबैक आ गई, थोड़ा सा बुरा भी तत्कालिक मोमेंट के लिए लगा होगा उस समय, काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि आप चाइल्डहुड से वो आपका ड्रीम होता है, चाइल्डहुड से ड्रीम था वर्क करना, मैंने भले ग्रेजुएशन शुरू किया बट एक दिमाग में रहता है कि ऑफिसर रैंक, ऑफकोर्स मेरी माँ है और मेरी एक मामी है जिनको मैं माँ के समान मानता हूँ, दोनों का हमेशा से था कि तुम यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगोगे, और एनसीसी यूनिफॉर्म के बाद से वो और सारी फीलिंग्स आ गई थी, तो फिर जब वो एक बार आपके सामने सपना पूरा हो जाता है तो या इमोशनल रहते हो, पेरेंट्स ऐसा कहते हैं और उसको पूरा करो तो अंदर से लगता है कि कुछ तो कर पाया मैं इनके लिए। फिर मेडिकल के दिन हाँ दिल बहुत ज्यादा टूटा था, बट देन शाम को घर पे कॉल किया, बताया, देन पापा ने एक लाइन बोली थी, तो उसके बाद से वापस से मैं नॉर्मल हो गया था कि तुमने जहां तक कर सकता तो तुमने किया, हम लोग खुश हैं उससे। मैंने कहा और क्या ही मैटर करता है, दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली, सर मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि लाइन बोलिए, बिकॉज़ बच्चे बड़ी शिद्दत से और बड़ी सच्चाई से प्रयास करते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स कहीं से भी निराश हो, तो सर आप लोगों का विश्वास और प्रेम बड़ा मायने रखता है एक छात्र के लिए, एक बच्चे के लिए, और वो एक पैनासिया का काम करता है रामबाण का, और उन्हें दुगनी ताकत मिलती है फिर से बाउंस बैक करके आगे बढ़ने का, और श्रेयांस उसका जीता जाता एग्जांपल है, बिल्कुल आपके पेरेंट्स ने आपको वो साहस की लाइन दी, एग्जैक्टली डिड योर बेस्ट, अब जो है भगवान के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते उसके, दैट्स वेरी गुड। और इसी प्रक्रिया के साथ फाइनली वापस आए और आज आप मेजर कलसी परिवार का हिस्सा है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और मुझे लगता है कि बिल्कुल पापा ने सही कहा कि ईश्वर के हाथ में है बहुत कुछ, तो ईश्वर का ही हाथ है कि आप यहाँ तक आए, फौजी बनाएंगे और बहुत जल्द एक बड़े ऑफिसर के रूप में फिर से एस्टैब्लिश करेंगे खुद को, और आप उस जर्नी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और बड़े फोकस्ड हैं, तो बस यही जज्बा मेंटेन रखिए, शायद कभी कभी इंसान किसी और चीज के लिए भी बना होता है, बट ये कि फौजी तो हमेशा जिंदा रहेगा, और आपको ईश्वर ने मौका दे ही दिया कि एक बार आप जो है फौजी निर्माण में लगे और वो क्वालिटी वो चीजें डेवलप कर पाए, एक इंस्पिरेशन दे पाए देश को, जो कि वाकई उनको बेहतर बनाए, तो इट वॉज रियली नाइस इंटरेक्शन विद यू, और मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग सेशन ये रहा होगा, जैसा भी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और श्रेयांस बिल्कुल एमकेसी परिवार के साथ हैं, तो हमेशा आपको जल्दी देखने को मिलेंगे इंटरव्यूज में, हर तरह के प्रोसेस में बहुत सारे वीडियोज इनकी आएगी जहाँ इनके अनुभव एक्सपीरियंस जो हम आपसे शेयर करेंगे, और मुझे लगता है कि पूरे देश को कुछ सीखने को मिलेगा, और यही रियल प्रेरणा ही है जो आपको सफलता का एक बड़ा कारण देती है। श्रेयांस लास्ट में कुछ लाइन जो आप कहना चाहें, हमारे सारे जितने ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं बड़े डिमोटिवेटेड रहते हैं, फैमिली दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो जितने सीरियस सीपीएफ का बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, कैट का भी लास्ट 5 बजे एग्जाम देने हैं, नवंबर में सीरियस का एग्जाम देने, तो लास्ट टाइम क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, आप क्या करें, और सारे डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मैं कहूँगा कुछ कहें आप लास्ट में, वही है कि कंसाइज स्टडी रखिए, स्मार्ट स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए, हार्ड स्टडी पे नहीं, और अपनी परफॉर्मेंस जो भी आपकी स्टडी है वो आप लॉन्ग टर्म गोल को लेके चलिए, आप ऑफिसर बनने के लिए किसी टैग का वेट मत करिए, जो OLQs आपके अंदर है आप ये मत सोचिए कि हाँ SSB में जाऊंगा तो उसको शो करूंगा, डेली लाइफ है अपनी, रूटीन है आपका, टाइम मैनेजमेंट है, उसको प्रॉपर लाइए, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव लगातार करते रहिए, सीखना कभी मत रोकिएगा, आपके हर बगल आपका बगल वाला इंसान भी आपको वो सिखा सकता है जो आप लाइफ टाइम शायद खुद से ना सीख पाओ, तो लर्निंग एबिलिटी क्यूरियोसिटी को हमेशा अंदर जिंदा रखिए, अंदर खुद में इंप्रूवमेंट करते रहेंगे तो अपना बेस्ट वर्जन आपको पाना है, दैट्स व्हाट SSB लुक्स फॉर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चों का कोई सवाल प्रश्न कुछ होगा तो श्रेयांस अगर आपसे मिले तो इनको सारे सॉल्यूशंस गाइडेंस मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, सारे के सारे जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपनी तरफ से सारा सपोर्ट करने को हमेशा रेडी, बिल्कुल, और हम बीइंग अ फौजी हमेशा तैयार भी रहते हैं हमेशा तैयार मदद करने के लिए कुछ भी मौका हो जाए। चलिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जय हिंद जय भारत।